हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और आप सब लोग कैसे हैं? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे, बढ़िया ही रहना। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है दिन के 1 बजे से। आज है ऊपर वाले अंकल आंटी के घर पे सुंदरकांड का पाठ। नमस्कार, आज हमारे वहाँ सुंदरकांड का पाठ है और अभी मंडली आने वाली है। मेरी नातिनी हुई है, उसका नामकरण है और नामकरण तो अमेरिका में है क्योंकि वो बेटी मेरी अमेरिका में है। तो इस बार अभी मैं उसके पास नहीं हूँ, तो आज हमारे नाना नानी की तरफ से ये शगुन है उस नवजात कन्या के लिए, उस नन्ही परी के लिए। यहाँ पे मंदिर तैयार हो गया है, यहाँ से सुंदरकांड का पाठ होगा। मंडली वाले भी आ गए हैं सुंदरकांड का पाठ जो लोग करेंगे। सुंदरकांड के पार्ट के बीच बीच में मैं और अरेंजमेंट भी देखता जा रहा हूँ और अंकल जी भी साथ में हैं। अंकल जी भी अरेंजमेंट देख रहे हैं। आज बच्ची के जन्म के उपलक्ष्य में ही उनका नामकरण है, इसीलिए कीर्तन और भजन, क्योंकि वो अमेरिका में है। जब यहाँ आ जाएंगे ये हमको बताएंगे फोन से कि ये नाम पड़ा, ये राशि है, तब उस हिसाब से आपको बताया जाएगा। सुंदरकांड का पाठ हुआ कंप्लीट। Oh,
और यहाँ सभी भक्तों के लिए चाय का प्रबंध किया गया है। ठंड बहुत है और ये प्रसाद भी बन चुका है और थोड़ी देर में प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा सभी को। और यहाँ किचन में सभी लोग प्रसाद की तैयारी कर रहे हैं। ये गाजर का हलवा है, छोले हैं, समोसे हैं और चाय है। तो ये सभी भक्तों के लिए प्रसाद लगाया जा रहा है यहाँ पे। प्रसाद का अरेंजमेंट है समोसे, हलवा और छोले, इसके साथ चाय भी है। अब बज रहे हैं 5, सुंदरकांड का पाठ और भजन कीर्तन संपन्न हुए और मैं इस समय आया हूँ छत पे। इवनिंग का टाइम है और मेरे ठीक सामने बहुत ही अच्छा सनसेट होने वाला है और सामने बहुत ही सुंदर सनसेट हो रहा है। शाम का टाइम है, हल्का हल्का उस साइड कोहरा भी स्टार्ट हो गया है और बहुत ही सुंदर सामने का व्यू दिखाई दे रहा है इस समय। और हल्द्वानी के शाम का जो व्यू है वो कुछ इस तरीके का है। धीरे धीरे कोहरा स्टार्ट हो गया और इस साइड कोई भी पहाड़ दिखाई नहीं दे रहा है, हल्के हल्के से पहाड़ दिखाई दे रहे हैं, पूरा कोहरा लगा हुआ है उस साइड भी। तो ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। नए साल की शुरुआत में मैं हनुमान धाम मंदिर गया और उसके एक दिन बाद आज 3 तारीख को घर पर सुंदरकांड का पाठ सुनने को भी मिल गया। तो हनुमान जी की कृपा मुझ पर और आप सभी लोगों पर बनी हुई है। तो इसी तरीके से आप मेरे इस चैनल को देखते रहें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे सुंदरकांड का समापन हुआ और बहुत ही अच्छा सुंदरकांड का पाठ हुआ। मेरे साथ अंकल आंटी हैं। आप सभी लोगों के जितने भी आए भक्त लोग और मेरे फ्रेंड्स, मेरे रिलेटिव्स आशीष, स्निग्धा सब के सहयोग से सुंदरकांड बहुत अच्छी तरह से संपन्न हुआ और नवजात शिशु को सबका आशीर्वाद मिला और मैं भी हम भी सब मिल करके ये भगवान से उस माहिका के लिए हमेशा ब्लेसिंग्स हैं और डिंकी और पारस के लिए भी वो हमेशा खुश रहें, प्रसन्न रहें और सदैव उनके घर में खुशियों की बरसात रहे। धन्यवाद। तो अब इस ब्लॉग को मैं यहीं पेंड करता हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिए, सब्सक्राइब जरूर करिए, कमेंट करके बधाइयाँ दीजिए। तो कल फिर मिलेंगे किसी बढ़िया से ब्लॉग में। बाय बाय।